हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेस बानसूर। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 10 सर्किल्स। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 3। ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर Meet a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm. Length PQ, तो length PQ हमें find करनी है। Option है आपके पास 12 cm, B 13 cm, C 8.5 cm, D 119 square root cm. तो इसमें देखते हैं इन ट्राइंगल सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू, हेयर पी इज 90 डिग्री। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अपोजिट ऑफ 90 डिग्री एंगल इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड this is base. Then by using Pythagoras theorem OQ square equal to PQ square plus OP square, put the values. OQ is 12 square, PQ find करना है हमें, PQ square प्लस ओपी इज 5 स्क्वायर। देन प्लस के 5 स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर मीन 144 एंड 5 स्क्वायर इज 25। 144 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 190 एंड स्क्वायर को अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। इट मींस देन लेंथ ऑफ पी क्यू इज रूट 190 सेंटीमीटर। आंसर देन करेक्ट ऑप्शन इज डी। आफ्टर दैट वी आर डिस्कस थ्योरम सेकेंड। If two tangents are drawn from an external point to a circle, then first the length of the tangents are equal, second the tangents subtend equal angles at the center, third the tangents are equally inclined to the line joining the point and the center of the circle. सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट P से टू टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, पी ए एंड पी बी। सेंटर पॉइंट से कॉन्टैक्ट टेंजेंट का और सर्किल का कॉन्टैक्ट पॉइंट को सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करेंगे O से, एंड O को एक्सटर्नल पॉइंट P से भी ज्वाइन करेंगे। देन इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वी नो दैट टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। देन That is 90 degree. In triangle PAO and triangle PBO, PAO triangle and PBO triangle, OA equal to OB, OA equal to OB, radius, OA equal to OB, radius है, एंड ओपी इज कॉमन, ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन। एंड आफ्टर दैट 90 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल इज इक्वल, पी ए ओ एंगल, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। देन ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल
पी बी ओ बाय आर एच एस रूल, बाय आर एच एस रूल। ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ को आर एच एस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद वी कैन से दैट फर्स्ट ए पी इक्वल टू पी बी बाय सी पी सी टी, ए पी इक्वल टू पी बी बाय सी पी सी टी, एंड एंगल ए ओ पी सेकेंड एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंड थर्ड इज एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ओ पी बी बाय सी पी सी टी। इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। आफ्टर दैट एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, ऑप्शन है आपके पास ए 60 डिग्री, बी 70 डिग्री, सी 80 डिग्री एंड डी 90 डिग्री। तो हमें एंगल पी टी क्यू फाइंड करना है। अब देखिए पी ओ क्यू टी, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पी ओ क्यू टी क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, एंड क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स का सम, चार एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हम सारे एंगलों का सम कर लेते हैं, बट वी नो दैट सेंटर पॉइंट से और कॉन्टेक्ट पॉइंट टेंजेंट का जो पॉइंट है उसके बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री एंगल होंगे तो, और ये 110 डिग्री गिवन है। पी ओ क्यू टी क्वाड्रिलेटरल, फोर एंगल्स का सम करेंगे क्वाड्रिलेटरल में और 360 के इक्वल करेंगे इसको। एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। पुट द वैल्यूज ऑफ एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस ओ पी टी, एंगल पी इज ओ पी टी इज 90 डिग्री एंड ओ क्यू टी इज 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। प्लस करेंगे 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110, 180 प्लस 110 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्लस के 290 जब प्लस का उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 290, 360 में से 290 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। हैंस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री आंसर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन 70 डिग्री राइट आंसर। इसके बाद जो आपका होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए सर्किल एंड ए टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सेकंड टू द सर्किल। आपको टू लाइंस पैरेलल बनानी है, एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सेकंड होनी चाहिए।
इसके बाद एक्सरसाइज 10.2 का ही आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज ए ऑप्शन इज 7 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 24.5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपको बनाने हैं। पहले सबसे पहले आप डायग्राम बनाएं, फिर उसमें लगाएंगे आप पाइथागोरस थ्योरम। थैंक यू।